Good morning, students of class 10. I, Kanishka Kumar Das sir, welcome you to your favorite English class. As you know, English plays a great role in our day-to-day life. It is an international language. It is widely accepted by many of the countries in the world. ए सारा पृथ्वी रे इंग्रजी आदर रही अनेक देश लोक माने एहाकु निजर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हिसाब से व्यवहार करती से आम ठीक भाव यही लैंग्वेज को जानवा दरकार इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ इच अदर से आज आम रीडिंग जो कॉम्पिटेंसी से रीडिंग केमिति करा जीवो से विषय आलोचना करिबा एवं रीडिंग करिबा आमे टॉपिक नहीं छु तुमरो बही रे थिबा इंग्लिश बही रे थिबा एट दी हाई स्कूल एही टॉपिक टू नहीं छु एवं एही टॉपिक को लिखी चंती एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी दी फादर ऑफ द नेशन ताकू आमे ठीक भाव रे प्रोनाउंसिएशन करी पढ़ीबा आमे केवल दुईटी पार्ट नहीं छु आज गोटे पार्ट हूँ लीड इन आ गोटे पार्ट हूँ टेक्स्ट रो फर्स्ट पाराग्राफ यही दुईटी अंश आज आमे पढ़ीबा कि भाई प्रोनाउंसिएशन करी पढ़ा जीवो ताहा तुम्हें लक्ष्य करो एवं सही भाई तुम्हें ताकु रिप्ले करी सुनो प्रथमे लिसन फर्स्टली लिसन प्रथमे सुनो देन रीड सही भरी तापरे पढ़ो एवं अभ्यास करो तुम्हें पढ़ीबा पूर्वरु कि भली प्रोनाउंसिएशन हबो जोटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंसिएशन को मु कहिबा को जाउछि ताको कहंती बीआरपी ब्रिटिश रिवाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ता इंटरनेशनली आदृत एवं एक्सेप्टेबल मध्य ग्रहणीय मध्य विशेष करी इंडिया रो विभिन्न जगार विभिन्न रकम इंग्राजी रो प्रोनाउंसिएशन अछि किंतु आमको केवल बीआरपी को फॉलो करबा को पड़िबो तार नियम अछि केमिति फॉलो करबा लक्ष्य करो सही अनुजाई तुम्हें मध्य अभ्यास करो ब्लैक बोर्ड को लक्ष्य करो लुक एट दि ब्लैक बोर्ड देखो लिखा है एट दि हाई स्कूल ताकु लिखिछन एम के गांधी एठी लिखा है जे देखो लिखी छी हाउ टू प्रोनाउंस सम डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस इन लीडिंग एंड पैराग्राफ 1 ऑफ दिस लेसन आमे मु एहाकु ओडिया रे तुमको सिखै देबी केमिति प्रोनाउंसिएशन करिया पूर्वरु ता पूर्वरु तुमे जदी मो चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू करछो ताहेले सब्सक्राइब करिनियो एवं लाइक कर या परे परे आहुरी इंटरेस्टिंग टीचिंग सब मु तुमको देबी जहां तुम एकेडमिक करियर रे एकेडमिक पर्पस रे बहुत यूजफुल हम देखो फर्स्ट मु लिखी के एन ओ डब्ल्यू हाउ टू प्रोनाउंस दिस इज नाउ तुम्हें बोध हुए या न बोली पढ़ुल किंतु एटा नाउ बोली पढ़ाबो नाउ के एन ओ डब्ल्यू नाउ पफजल अली पीओ पीयू एल ए आर एल वाई पफजल अली एन ए टी आई ओ एन नेशन एल ए टी ई आर लेटर एच ओ एन ओ यू आर ओना एन ओ टी ई डी नोटेड एन ओ टी डी नोटेड ए बी आई एल आई टी वाई अबिलिटी अबिलिटी देखो यही सब नुआ वर्ड सहित आमे वर्तमान परिचित हो गलु एबे आमे धीरे धीरे पढ़ीबा कारण आमर वर्तमान रो कॉम्पिटेंसी लिसनिंग एंड रीडिंग आस पढ़ीबा एवं अभ्यास करिबा प्रथमे सुनो फर्स्ट लिसन हाउ टू रीड
एट द हाई स्कूल एज यू ऑल नाउ महात्मा गांधी बॉर्न इन 1869 वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही वाज द greatest of our independence movement. He is popularly called the father of the nation. But before he became the Mahatma, great soul, in his later life, Gandhi received his early education at Rajkot English School in Rajkot in the state of Gujarat. Later, it became a full-fledged high school and came to be known as Rajkot High School. Gandhi matriculated from this school in 1887 at the age of 18. After independence in 1947, the school was renamed the Mohandas Gandhi High School in honor of the father of the nation. According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. He was noted to be good at English, fair in arithmetic, weak in geography, good in conduct and bad in handwriting. Though he did not have any high regard for his ability, he was astonished whenever he won prizes and scholarships. Let's read the following text to know some more interesting facts on Gandhi's experience of high school days as he himself had described it in his autobiography named My Experiment with Truth. The text. Read the text silently and answer the questions that follow. I was not regarded as a fool at the high school. I always enjoyed the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. In the 5th and 6th, I obtained scholarships of rupees 4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. I think you have guessed the idea what I am going to tell you. Now, practice again and again and be prepared for the next task. Thank you very much for attending this class.